अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुस्तफा चीमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 FE के बारे में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको इस मोबाइल के अंदर मुकम्मल जो फीचर है इन सब के बारे में बताऊंगा, ताकि आप इस मोबाइल को पता चल सके कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर और किन स्पेसिफिकेशन के साथ ये आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहले अगर इस मोबाइल के बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के अंदर ये आपको सिंपली आपकी डिवाइस मिलेगी और टाइप सी टू टाइप सी की केबल इसके अंदर मिलेगी, जो कि अडाप्टर इसके साथ ये नहीं दे रही, और सिम इंजेक्टर टूल ये सिंपल इसके अंदर देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं जी इस मोबाइल के बिल्ड और डिजाइन की तरफ। तो ये बैक पे आपको ग्लास दे रहे हैं, डिजाइन और कैमरे का डिजाइन सेम आपको ये S24 की तरह का मिलेगा, और फ्रंट पे भी आपको ग्लास ही इसका लगाया जा रहा है, जो कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन के साथ आपको दिया जाएगा, और एल्यूमिनियम का आपको इसके अंदर फ्रेम दिया जाएगा। और पोर्ट्स और बटन की अगर बात की जाए तो नीचे वाली साइड पे टाइप सी, दो माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल देगी जा रही, जो कि स्टीरियो स्पीकर देंगे आपको इसमें, ड्यूल स्पीकर मिलेंगे। ऊपर वाली साइड पे भी आपको ये स्पीकर दिया जाएगा। ऊपर वाली साइड की अगर बात की जाए तो वहां पे आपको ये आपको सिम इंजेक्टर टूल दे रहे हैं 3.5 mm। लेफ्ट साइड पे आपको ये कोई चीज भी नहीं इसके अंदर दे रहे। इसी के साथ अगर इस मोबाइल के वेट की बात की जाए तो ये आपको 213 ग्राम का इसका वेट मिलेगा। इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की आपको प्रोटेक्शन दे रही है, फ्रंट पे भी और बैक के ऊपर भी। सिम की अगर बात की जाए तो सिम आप इसके अंदर ड्यूल स्टैंड बाय नैनो सिम डाल सकते हैं। एसडी कार्ड का सपोर्ट इसके अंदर नहीं दिया जाएगा। IP68 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस की रेटिंग इसके अंदर आपको मिलेगी। अब बात करते हैं जी इस मोबाइल के डिस्प्ले के साइज की, तो ये आपको 6.7 इंच का आपको डायनेमिक AMOLED 2X का डिस्प्ले इसके अंदर मिलेगा, जो कि आपको 120 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा। इसके अंदर आपको फुल HD+ का सपोर्ट मिलेगा, जो कि HDR10+ में आपको कन्वर्जन मिलेगी। इसकी पीक ब्राइटनेस जो आपको ये देंगे वो आपको 1900 nits की पीक ब्राइटनेस इसके अंदर आपको मिलेगी। 82% की ये स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रहे हैं एज कम्पेयर टू S23 FE के, ये आपको इसके बेजल इससे एज कम्पेयर टू S23 FE के ये आपको थिन देंगे, लेकिन S24 के अगर कंपैरिजन किया जाए जो वहां से ये थोड़े आपको बड़े बेजल एज कम्पेयर टू S24 दे रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की ये आपको इसके अंदर फ्रंट और बैक पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बात करते हैं जी इस मोबाइल की सॉफ्टवेयर की, तो ये आपको एंड्रॉयड 14 के साथ मिलेगा, जो कि 1UI 6.1 के साथ मिलेगा। इसमें ये आपको 7 साल की मेजर अपडेट्स और 7 साल के ही सिक्योरिटी अपडेट के साथ आपको मिलेगा। चिपसेट जो इसके अंदर आपको ये लगाने जा रहे हैं वो आपको इसके अंदर जो चिपसेट मिलेगी वो आपको सैमसंग जॉयनोस 2400 4 नैनोमीटर वाली चिपसेट इसके अंदर मिलेगी, जिसके गीक बैच आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। सिंगल कोर और डबल कोर बेस्ट इसके अंदर आपको इसके गीक बैच टेस्ट दिया जा रहा है। इसी के साथ अगर इस मोबाइल के स्टोरेज की बात की जाए तो ये आपको 3 तरह के वेरिएंट के अंदर मिलेगा, 8GB 128GB, 8GB 256GB, 8GB 512GB के अंदर। LPDDR5X की रैम इसके अंदर लगाई जा रही है, और UFS 3.1 की इसके अंदर आपको और रोम मिलेगी। कैमरे की अगर बात की जाए तो कैमरे के ये ऊपर बैक पे ये आपको पहला कैमरा जो है मेन कैमरा ये 50 MP का मेन कैमरा दे रहे हैं, विद सपोर्ट ऑफ PDF और OIS के सपोर्ट में मिलेगा। और आपको ये जो दूसरा कैमरा इसके अंदर आपको मिलेगा वो 8 MP का टेलीफोटो के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें अगेन PDF और OIS और 3x ऑप्टिकल जूम तक आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलेगा, और 12 MP का ये इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट दिया जा रहा है। इसी के साथ इस मोबाइल के अगर बैक के वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो ये बैक पे आपको 8K at 24 FPS तक का सपोर्ट देंगे, और 4K at 30 और 60 FPS का भी सपोर्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। गैरो और OIS का भी सपोर्ट आपको वीडियो की रेजोल्यूशन के अंदर भी आपको बैक के कैमरे में नजर आएगा। फ्रंट की बात करते हैं जी इसी के साथ, तो ये फ्रंट पे आपको 10 MP का फ्रंट का कैमरा दे रहे हैं, जिसमें वीडियो की रिकॉर्डिंग में ये आपको 4K at 30 और 60 FPS तक आपको फ्रंट के कैमरे के साथ इसके अंदर आपको मिलेंगे। बैटरी की अगर बात की जाए तो बैटरी ये आपको 4700 mAh की बैटरी दे रहे हैं, एज कम्पेयर टू S23 FE के ये इससे बड़ी आपको ये बैटरी दी गई है, और अगर 24 से कंपेयर करें तो उससे छोटी दी जाएगी।
उसमें ये आपको 5000 mAh की दी जा रही थी, और अगर इसकी सपोर्ट की जाएगी कितने वाट का सपोर्ट मिलेगा, तो ये आपको 25 वाट वाइड सपोर्ट के साथ मिलेगा, जो कि आपको 30 मिनट में 50% ये आपको चार्ज कर देगा, और 15 वाट का वायरलेस आपको सपोर्ट इसके अंदर दिया जाएगा, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। इसी के साथ अगर इस मोबाइल के कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाए, तो ये आपको वाईफाई के अंदर ड्यूल बैंड वाईफाई 7 के साथ, 6 के साथ सॉरी, मिलेगा, जो कि वाईफाई डायरेक्ट में होगा। ब्लूटूथ का 5.3 का वेरिएंट मिलेगा, एनएफसी के सपोर्ट दिया जाएगा, रेडियो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, और 3.5 mm का जैक भी आपको इसके अंदर नहीं दिया जाएगा, और यूएसबी की टाइप सी दी जाएगी, जो कि ओटीजी का वेरिएंट इन्होंने अभी तक नहीं मेंशन किया कि कौन सा देंगे। अगर कुछ कलर्स की बात की जाए कि किन किन कलर्स के अंदर इसको रिलीज किया गया है, तो ये आपको ब्लैक, ब्लू इन और ब्राउन, इस तीन चार कलर के अंदर आपको ये रिलीज किया जाएगा। इसकी अगर यूके की प्राइस की बात की जाए, तो यूके के अंदर ये आपको जो इसका मेन वेरिएंट है फर्स्ट वाला 128 GB रैम वाला, ये आपको 649 पाउंड के अंदर आपको मिलने जा रहा है। ये सब चीजें थी जो मैं आपको इस मोबाइल के बारे में बताना चाहता था। आज के लिए इतने ही, खुदा हाफिज।